अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमके एकेडमी। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट अ टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट इज डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन का या कम्युनिकेशन का फ्लो होता है। डायरेक्शन की बेसिक टू टाइप्स होती हैं, एक होती है वर्टिकल यानी कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल जो कि साइड वाइज कम्युनिकेशन होती है। अब इस वीडियो में हम इन दोनों को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो कि टाइप है वर्टिकल कम्युनिकेशन की। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ एम्प्लॉयज से, कुछ ग्रुप से, कुछ डिपार्टमेंट से मिलकर बनती है जो कि लेबल किए गए होते हैं। कुछ हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ वर्क ग्रुप्स होते हैं। तो बेसिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नाम से ही विजिबल है कि इसमें यह होता है कि जो अपर मैनेजमेंट होती है वो अपने से डाउनवर्ड मैनेजमेंट के साथ या अपने से डाउनवर्ड मौजूद वर्कर्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करती है। ये वन वे कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि इस डायग्राम में विजिबल है कि मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है सुपरवाइजर के साथ जो कि फर्दर कम्युनिकेट कर रहा है वर्कर के साथ। ये लोग ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वर्कर सुपरवाइजर के साथ इस डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के तहत कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बेसिकली चूंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि जो अपर अथॉरिटीज़ हैं या जो मैनेजर्स हैं या जो सुपरवाइज़र हैं वो अपनी बात कह देते हैं या वो अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बता देते हैं या वो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं या वो गोल्स को डिफ़ाइन कर देते हैं या वो किसी किस्म का कोई फीडबैक दे देते हैं, लेकिन वो वापस कोई फीडबैक उनसे ले नहीं पाते, अपने एम्प्लॉयज़ से ले नहीं पाते। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो एक कमिटमेंट का एहसास होता है अपने डिपार्टमेंट को लेकर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि उनकी बात को अहमियत नहीं मिल रही होती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इवन फेस टू फेस हो भी नहीं रही होती, या तो वो हो रही होती है किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए। तो इसमें जो है कम चांसेस होते हैं कि एक जो वर्कर है या जो एम्प्लॉय है उसको बात सही तौर पर समझ आ सके। इसके ये ड्रॉबैक हैं, लेकिन इसका जो एक फ़ायदा है वो ये है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने टाइम का बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी बात तो कह चुके होते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें बेटरमेंट के लिए चांसेस हैं जो वो बहुत कम होते हैं। अब बात जब एक ऑर्गेनाइजेशन की आती है तो इम्पॉर्टेंट होता है कि एम्प्लॉयज़ भी कम्युनिकेट करें अपने मैनेजर्स के साथ, मैनेजर्स भी कम्युनिकेट करें सीईओ के साथ। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या उस चीज़ के लिए कोई सोल्यूशन लाने के लिए कम्युनिकेशन की गई जिसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो कि अपने नेम से विजिबल है कि जो डाउनवर्ड या जो नीचे लोग काम कर रहे होते हैं वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी अपर मैनेजमेंट के साथ, यानी कि वर्कर्स कम्युनिकेट करेंगे प्रोडक्शन सुपरवाइज़र के साथ जो कि फर्दर अपने से ऊपर मौजूद एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने से ऊपर मौजूद वर्कर्स के साथ या अथॉरिटीज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप अपवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन के कंटेंट के साथ साथ उसकी डिलीवरी के ऊपर भी तवज्जो दें, क्योंकि समटाइम्स कोई बात ऐसी होती है जो कि वैलिड होती है लेकिन उसको कहने का अंदाज़ ऐसा यूज़ किया जाता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगता है या बात सही तरीके से समझ नहीं आती। तो इसलिए डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका ये ड्रॉबैक हुआ कि अब वो जो अपर अथॉरिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा आसानी के साथ डिस्टर्ब की जा सकती थी। डिस्टर्ब इन अ सेंस कि समटाइम्स एम्प्लॉयज़ कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो कि या कुछ ऐसी डिमांड कर लेते हैं जो कि वायबल नहीं होती, जो कि पूरी नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से जो है अथॉरिटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। ये होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक ड्रॉबैक। और फ़ायदा ये है कि जाहिर सी बात है जब एम्प्लॉयज़ को बात करने का मौका मिलेगा तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट को जो है वो शो कर सकेंगे और उस डिपार्टमेंट के साथ और अच्छे तरीके से काम करेंगे उसकी बेटरमेंट के लिए, क्योंकि वो अपने आप को उसका पार्ट समझेंगे क्योंकि उनकी बात को अहमियत मिल रही होगी। अब आती है लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हो रही होती है, लैटरल कम्युनिकेशन। ये है एक टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि साइड वाइज कम्युनिकेशन। यहाँ पर मैनेजर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली ये होता है कि जो लोग एक ही लेवल पर मौजूद होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये तो एक ह्यूमन जो है एक ह्यूमन एयर प्रोड्यूस कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि सब लोग आपस में बात कर रहे होंगे, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन्स को शेयर कर रहे होंगे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर अपर अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर या उनको इन्फॉर्मेशन मिलाकर या उनको बताकर एक लैटरल कम्युनिकेशन का सिलसिला शुरू किया जाए तो
तो बेटरमेंट आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. लेकिन ड्रॉबैक की जब बात की जाए तो अक्सर ऐसा हो जाता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज़ बगैर अपनी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किए लेटरल कम्युनिकेशन की एक सीरीज़ को शुरू कर लेते हैं, जिसके अंदर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो गलत बातें हैं या कुछ ऐसा जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है, बजाय इसके कि अपवर्ड अथॉरिटीज़ के साथ उसको कम्युनिकेट करें, वो आपस में उसको डिस्कस करते हैं और इस तरह से एक वियर्ड किस्म की जो है एयर प्रोड्यूस हो जाती है इन बिटवीन द अपर अथॉरिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़. तो इसका अपना फ़ायदा और अपना नुकसान है. ये थे हमारे पास डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर. इसके बाद हम फर्दर बात करेंगे कम्युनिकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर. इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.